नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं ना आपके जो मैच द फॉलोइंग या कॉलम पैसन बेस्ड क्वेश्चन, वो सिक्वेंसल में या सिक्वेंसल या पैरेलल रिएक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर आना तय है। क्योंकि आपको ये पता है एडवांस में सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री का माना जाता है, ठीक है। 45% ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री रहता है, तो जिसका आपको फिजिकल आप मान लीजिए जिसका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा है वो एडवांस इजिली क्रैक कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है ये प्योरली मैथमेटिक्स बेस्ड चैप्टर है, तो लेट्स चेक इट आउट आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है। उसके बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है कि ये कोई रिएक्शन है ए और इतने पैरेलल रिएक्शन में इतने प्रोडक्ट बना रहा है जिसका हर का रेट कांस्टेंट के है, 4k 9k 16k n स्क्वायर के डॉट 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 n स्क्वायर के तक है। उसी तरीके से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी e है, सेकंड वाले की 2 है 3 है 4 है डॉट 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 n e तक है, कितनी है n e तक, ओके। आपको कैलकुलेट करना k फैक्टर e f फैक्टर t हाफ फैक्टर परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मिक्सचर a 3 बाय a 4 का रेशियो कैलकुलेट करना। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है k फैक्टर। तो आपको याद होगा आपको मैंने जनरलाइज इक्वेशन दिया था, जनरल जनरलाइज इक्वेशन फार्मूला दिया था जिसका k फैक्टर निकालने के लिए, वो क्या था समेशन ऑफ k पहले रिएक्शन के लिए, इसका मतलब क्या होगा k 4k plus 9k plus dot 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 plus n square k, तो k कॉमन ले लिया तो 1 plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus dot 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 n square k, तो 1 स्क्वायर मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है ना n into n plus 1 n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 into k, ये मेरा क्या होगा ये k इफेक्टिव हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव की बात करो, एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव की बात करो, इसका फार्मूला क्या होता था समेशन ऑफ ki ei by समेशन ऑफ k ये होता था। चलो ठीक है मल्टीप्लाई कर दो तो k into e, पहले के लिए k into होगा, दूसरे के लिए 4k into 2e, तीसरे के लिए क्या होगा 9k into 3e plus dot 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 इस तरीके से जाएगा divided by summation of k i मतलब k effective जो मैंने अभी वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इसमें से आपको एक चीज दिख रहा है k ही क्या चला जाएगा मेरा, k ही कॉमन चला जाएगा, तो के ही कॉमन जाते ही ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इनटू 2 मतलब 8 मतलब क्या लिख सकता हूं 2 का क्यूब इसका 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय के फैक्टर का फार्मूला क्या है n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इनटू k, के क्या हो चुका है मेरा कैंसिल हो चुका है, क्यूब रूट का फॉर्म क्यूब का फार्मूला कहता है ये वाला 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब का n into n plus 1 divided by 2 का whole cube divided by n into n plus 1 2n plus 1 by 6 into e ऊपर चला जाएगा n into n plus 1 n into n plus 1 का एक square cancel हो जाएगा तो approximately आता है 6e by 2 ये जो आएगा 6e by 2 n into n plus 1 by 2n plus 1 ये exactly है 3 by 3 into n into n plus 1 by 2n plus 1 इस तरीके से आपका क्या आ सकता है activation energy effective आ सकता है। उसी तरीके से तीसरा मैं नहीं करके दे रहा हूँ, तीसरा आप कर लोगे t half effective क्या होगा जल्दी बताओ, t half effective हो जाएगा summation of half t of i, ठीक है। तो आप ऑलरेडी कर लोगे इतना मान के चलो, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है आप मुझे आंसर निकाल के बताओगे। फोर्थ नंबर मेरे लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर है परसेंटेज ऑफ एवन इन द मिक्सचर, आके परसेंटेज ऑफ एवन इन द मिक्सचर, तो मुझे पता है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखा ऐसा, परसेंटेज ऑफ एवन लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ एवन इन द मिक्सचर, सॉरी क्वेश्चन करेक्ट कर लेना परसेंटेज ऑफ एवन इन मिक्सचर। तो आपको याद होगा कल मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन करा था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज ऑफ बी बोला था जबकि बी और सी मेरे क्या थे प्रोडक्ट थे, तो उसका मैंने क्या किया था जिसका निकालना उसका 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 रेट कांस्टेंट ऊपर रखूंगा के डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव, यही कहते हैं हमने इनटू 100, यही मेरे लिए क्या हो जाएगा रेट, यही मेरे लिए क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मिक्सचर, मतलब उस प्रोडक्ट का मिक्सचर कितना होगा उसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था, जिसका निकालना है जिस प्रोडक्ट का मिक्सचर में मुझे परसेंटेज निकालना उसका रेट कांस्टेंट ऊपर के लिए डिवाइडेड बाय टोटल
इफेक्टिव रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स इंटू के, दिस और दिस कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन टू हंड्रेड, तो मतलब हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एवन इन द मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, ए थ्री बाई ए फोर का रेशियो पूछा है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए मतलब प्रोडक्ट का रेशियो पूछा है उसने। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बी और सी का भी रेशियो मैंने बताया था, तो आपका एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कुछ नहीं करना, जिसका भी रेशियो पूछेगा उनका रेट कॉन्स्टेंट, उनका रेट कांस्टेंट को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। क्या करना आपको, डिवाइड करना, सिंपल सा मीनिंग है। आप a3 कैसे लिखोगे, k1 by k effective, sorry, k3 by k effective, a4 कैसे लिखोगे, k4 by k effective, k effective, k effective और k effective क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3k by 4k मतलब 3 by 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कभी भी किसी प्रोडक्ट का रेशियो पूछता है कभी भी पैरेलल रिएक्शन में, तो याद रखिएगा उनके रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए तो कोई इशू नहीं। हाँ, बट एक बात और, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कोई भी स्टैचोमेट्री नहीं दिया, तो यदि स्टैचोमेट्री आएगा तो उसका इसका स्टैचोमेट्री आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो अगर मान लो यहाँ पे टू, अगर मान लो यहाँ पे टू रहता था टू ए थ्री, तो थ्री के बाय टू होता था, यहाँ पे थ्री ए फोर रहता था तो फोर फोर के बाय थ्री हो जाता था, उस स्टैचोमेट्री को उस रेट कॉन्स्टेंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। ओके, नाउ एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फॉर मोर बेटर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में तीन चार बार पूछा जा रहा है, तो उसका एक जनरलाइज क्वेश्चन मैंने एक निकाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एडवांस में दो चार बार आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन ना लेके एक जनरल क्वेश्चन लिया है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है मतलब आप एडवांस के प्रीवियस ईयर में उठा के देखना, ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए कोई मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑलरेडी उसने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जो किसमें कितने प्रोडक्ट बना रहा है, बी बना रहा है और सी बना रहा है, ये के वन दे रहा है और ये आपको के टू दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, के वन बाय के टू की वैल्यू 9 है, और क्या दिया हुआ उसने, के वन की वैल्यू दिया हुआ 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 मिनट इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और अच्छे लेवल एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, सिमिलरिटी आपको दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन के जैसा, बट अभी जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें थोड़ा आपको चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ पहले क्या होगा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ एटी बाई बी टी आफ्टर 10 रेज टू 5 अपॉन 5 मिनट, आगे समय के बाद एटी और बी टी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो देखो नो डाउट आपका आसान सा है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बी इन द प्रोडक्ट, तो परसेंटेज ऑफ बी को कैसे लिखूंगा, k1 by k1 plus k2। ठीक है, k1 by k1 plus k2, चलो अब यहां से ये मुझे निकालना है, जिसमें k1 by k2 की वैल्यू उसने 9 दी हुई है, और अगेन उसने k1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 into 10 raise to minus 5, तो k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो k2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, अगर आप यहां से पुट करोगे तो 10 into 10 raise to minus 5, चलो ये वैल्यू आएगी मेरी, चलो k2 यहां पे आ जाएगा 9, k1 by k2 की वैल्यू 9 दी हुई है, हाँ 10 रेस्ट माइनस 5 आ जाएगा, बराबर 10 इंटू 10 रेस्ट माइनस 5 k2 के बराबर, सॉरी k2 की वैल्यू सिर्फ 10 रेस्ट माइनस 5 होगा, k2 की वैल्यू 10 रेस्ट माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा k1 plus k2 की वैल्यू की बात करूं, k1 plus k2 किसी दो चीज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पावर सेम लेने पड़ेंगे, पावर ऑलरेडी सेम है, तो 9 plus 1 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 रेस्ट माइनस 5, तो इसका जो परसेंटेज होगा k1 का वैल्यू है 9 into 10 raise to minus 5 divided by 10 into 10 raise to minus 5, this or this cancel into 100, so that's nothing but 90% product में b का रहेगा percentage। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आसान था, नो डाउट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा प्योर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है,
ठीक है, आपको करना क्या होगा इसके अंदर, समझो बात को थोड़ा, ठीक है। आपको निकालना है एटी और बीटी के वैल्यू। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटी और बीटी का वैल्यू। तो इनिशियली मैं क्या करता था, हमेशा t इक्वल टू जीरो पे a नॉट लेता था, b और c क्या लेता था, जीरो जीरो। तो a नॉट माइनस x क्या लूंगा मैं, a नॉट माइनस x माइनस y। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ x इसके पास जा रहा है, y इसके पास जा रहा है, ये x में टूट रहा है, ये y में टूट रहा है। ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि a नॉट माइनस x माइनस y, तो x मोल जा रहे हैं b के पास, y मोल जा रहे हैं c के पास, ठीक है। ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो इक्वेशन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आपको ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा, अगर x मोल इससे x मोल a नॉट से डिसोसिएटेड है तो वो जा रहा है इसके पास, y मोल से डिसोसिएटेड है वो जा रहा है c के पास, ठीक है। यहां तक तो चीजें तो चलो आसान थी, ठीक है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया at और bt का, आपको या तो डायरेक्ट पुट करो तो आंसर निकालो जो मैंने at bt का निकाला था, ठीक है। आप रेशियो वाइज भी जा सकते हो, ठीक है। एक तो पहला तरीका, at का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, at का फॉर्मूला हो जाएगा a नॉट e रेस टू माइनस के वन टी माइनस के वन प्लस के टू टी, सॉरी माइनस के वन प्लस के टू टी, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। और bt का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, bt का फॉर्मूला हो जाएगा के वन ए नॉट के वन ए नॉट बाय के वन प्लस के टू, ये फॉर्मूला हमने कल किया भी था, वन माइनस ई रेस टू माइनस 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 के वन प्लस के टू टी माइनस के वन प्लस के टू टी, ठीक है। अब समझो बात को थोड़ा, ठीक है, ये मेरा bt हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक काम कर सकते हो कि आप इनका अगर रेशियो लेते हो, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो इसके रेशियो से आपको क्या मिल सकता है, आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हो, 80 by BT ऑलमोस्ट कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। 80 by BT K1 K2 के वैल्यू पुट कर दोगे ना, अगर मैं यहाँ पे K1 K2 के वैल्यू पुट कर देता हूँ, K1 की तो वैल्यू मेरी कितनी है 9 × 10⁻⁵, K2 की वैल्यू है 10⁻⁵, तो A नॉट की वैल्यू के AT की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A नॉट e raise to a naught by e का पावर 10, ये वैल्यू हो जाएगी K1 K2 की वैल्यू पुट करने बाद। ये वैसे सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं K1 K2 की, तो सिर्फ BT की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। BT K1 K2 की वैल्यू पुट करने बाद BT की वैल्यू आएगी 9 by 10 a naught, ये क्या हो जाएगा e raise to 10 e raise to 10, फिर नीचे जाएगा तो e raise to 10 - 1 by e raise to 10, क्या मैं कह सकता हूँ ये क्या वैल्यू आएगी, e raise to -10 नीचे जाएगा तो LCM लूंगा तो e raise to 10 - 1 by e raise to 10 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, ये हो जाती है, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब एक समझो बात को, अगर मैं 80 by BT का वैल्यू निकालू, 80 by BT का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा e raise to 10 कैंसिल, a naught क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर का तो पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका क्या बचेगा 9 by 10 e raise to 10 - 1, ठीक है, और ये e raise to 10 - 1, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आ जाएगी approximately 10 by 9 e raise to 10। अब e raise to 10 की वैल्यू आपको पता है तो वैल्यू गुड है, ये तब है जब आपको ये फॉर्मूला याद है, मतलब देख लो फॉर्मूला याद होना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट करो डायरेक्ट आंसर आएगा, e raise to 10 की वैल्यू दी जाएगी। यदि अगर फॉर्मूला ना याद हो तब कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे एसएस टेक्निक, ठीक है, यहाँ पे एसएस टेक्निक देखो कि आप कैसे आप इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला लगाए ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है उसके लिए नो डाउट ये टॉपिक बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है, चलो ठीक है। अगर बात करो मुझे पता है, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 by t ln a नॉट बाय ए टी, के को मैंने क्या लिख दिया, के इफेक्टिव 1 by t a नॉट बाय ए टी, ठीक है। टाइम उसने कितना दिया हुआ, 1 by 10 का पावर 5 दिया हुआ, k इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, k1 plus k2 the dash nothing but 10 × 10⁻⁵ ln a0 का वैल्यू आपको
अब देखो ए नॉट की जो वैल्यू होगी, समझना बात को थोड़ा हाँ, क्योंकि रिएक्शन आपका क्या था ए, किसमें जा रहा था बी और सी में, थोड़ा साइड में लिख देता हूं। तो ए नॉट था ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बना था एक्स और वाई बना था बी और सी, एक्स और वाई। तो क्या मैं लिख, अगर ये मेरा क्या है, समझो बात को ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं ए नॉट को लिख सकता हूं ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी, समझो बात को, ए नॉट को क्या लिख सकता हूं ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी, क्योंकि जो डिसोसिएट हुआ हुआ ये और ये वो टोटल हमेशा इसके सम के बराबर ही तो रहेगा ना बेटा, ठीक है। तो अब समझो बात को, ठीक है, ए नॉट तो एज इट इज रहा ए टी, अब समझो बी टी को क्या लिख सकता हूं मैं, बी टी को मैं लिख सकता हूं BT को अगर मैं लिखूं, हाँ देखो BT plus CT, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है BT by CT का रेशियो किसके बराबर होता है, K2 by K1 के बराबर होगा, सॉरी K1 by K2 के बराबर, बराबर K1 by K2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं CT की वैल्यू की बात करूं, CT मेरा क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि मैं देखो ट्राई करो थोड़ा मैथमेटिकली सोचने का, AT plus BT plus CT, अगर मैं CT को BT के टर्म में ले आऊं तो मेरा थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है A0 किसके बराबर है AT plus BT plus CT, और BT by CT का रेशियो क्या होता है K1 by K2, वो मुझे पता है दो प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा के दो रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होता है, तो क्योंकि केवल स्टोइकोमेट्रिक का तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि 1 1 ही है, तो CT बराबर क्या हो जाएगा, CT बराबर हो जाएगा K2 by K1 into BT, तो BT plus क्या लिख सकता हूं मैं K2 by K1 into BT, तो AT को मैं क्या लिख सकता हूं, BT कॉमन लेके 1 plus K2 by K1 into BT, क्या लिख सकता हूं 1 plus K2 by K1। देखो ये सब चीजें तब है जब आप फॉर्म को फॉर्मूला नहीं आते तो आपको थोड़ा मैथमेटिकली जाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो 1 plus K2 by K1 into BT ले लिया मैंने, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, K1 plus K2 by K1 into BT, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चलो इसको मैं लिख सकता हूं AT plus K1 plus K2, K1 plus K2 मतलब K effective, तो K1 plus K2, ये पूरी वैल्यू कितनी है इसकी, K1 plus K2 divided by K1, ये वैल्यू हो जाएगी 10 by 9, ये किसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 10 by 9, क्योंकि K1 plus K2 की वैल्यू कितनी है मेरी 10 into 10 raised to minus 5 divided by K1, तो ये 9 10 raised to minus 5, 9 10 raised to minus 5 cancel हो जाएगा, 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 5 cancel, तो बचेगा 10 raised to 10 by 9 into BT, ये मेरा बचेगा A naught, ये मेरी किसकी वैल्यू हुई, A नॉट की वैल्यू हुई, आई बात समझ में। अब A नॉट की वैल्यू कितनी होया आपकी, 80 plus 10 by 9 BT divided by 80, ये मेरा हुआ अब एग्जैक्टली इसके बराबर, समझ में आई बात सबको, ठीक है। चलो यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं, तो अगर मैं यहां की बात 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 5 cancel, 10 बराबर ln किसके बराबर होगा, अभी अलग-अलग कर दो, तो 1 plus 10 by 9 80 by सॉरी BT BT by AT इसके बराबर होगा, चलो BT by AT के बराबर होगा, चलो यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर ln ln दोनों तरफ ले लूं तो e raise to 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303, 1 plus 10 by 9 bt by 80 की वैल्यू हो जाएगी, bt by 80 की वैल्यू हो जाएगी 10 by 9, तो 10 by 9 bt by 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.3, ठीक है, bt by 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.3, तो bt by 80 की वैल्यू जो हो जाएगी 1.3 into 9 by 10, आपको निकालना किसका वैल्यू है 80 by BT का, ठीक है 80 by BT का, तो 80 by BT की वैल्यू हो जाएगी 10 by 9 into 1.3, exactly ये वैल्यू इसके बराबर होगी, चाप चेक करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये तब है जब आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो आपको कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना कि किसी कंसंट्रेशन का रेशियो पूछे तो हमेशा A0 को सिर्फ उसके टर्म में लो जो आपका रेशियो में आपका क्या था, 80 by BT था, तो
तो मैंने पूरे ए नॉट को किसके टर्म में लिया, ए टी और बी टी के टर्म में। अगर सी रहता तो ए टी प्लस सी टी लेता था, तो उसको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से रेशियो से आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा था मैथमेटिकली, ठीक है, कि आखिर क्योंकि मुझे पता है इनका रेशियो किसके बराबर है, केवल मैं कहती हूँ कभी भी कोई दो प्रोडक्ट का रेशियो, अगर तीन प्रोडक्ट भी रहेगा ना, कोई भी दो प्रोडक्ट को उसमें चूज कर लो और उनका रेशियो लो K1/K2, मतलब जो भी उनका रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा, और उसको यहां से रिप्लेस कर दो, ताकि आपका मेजर जो इक्वेशन होगा AT और BT के फॉर्म में ही रहे, क्योंकि रेशियो आपको किसका निकालना है, AT by BT का, AT by CT का बोलता था तो मैं यहां पे क्या लेता था, CT लेता था, फिर उस केस में फिर ये रिएक्शन उल्टा हो जाता था, मतलब ये रिवर्स हो जाता था, K1/K2 आ जाता था, आई बात समझ। और यहां पे हम डायरेक्ट A0 की वैल्यू AT से पुट करके फिर यहां से हम डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। तो एक बार एक दो क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यू विल गेट योर डेफिनेट आंसर, आई बात समझ में। चलो ठीक है, अब जो हमारे लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का जो है सीरीज, पहला रिएक्शन हमने पढ़ा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज रिएक्शन, ठीक है, सीरीज या सिक्वेंशियल रिएक्शन। और एडवांस में ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर पेपर का लेवल अच्छा है क्या तो नो डाउट आप सब इस तरीके से कर सकता है, यदि अगर आपसे ऐसा नहीं अप्रोच हो पा रहा तो फॉर्मूला याद रखिए, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप मैथमेटिकली अप्रोच निभाइए या तो आप इस तरीके से। तो आपको मैंने तरीका बता दिया कुछ नहीं, एटी ए नोट को किसके पहले ए नोट की वैल्यू निकालें, ए नोट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एटी प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस डी टी प्लस ई टी प्लस एफ टी, कुछ भी करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको टोटली को दो टर्म में आप ले सकते हो, सिर्फ दो टर्म में। तो सबके रेशियो को अगर मान लो चार भी रहता था, सपोज करो चार रहता था, रहता था ए नॉट बराबर क्या लेता था, ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस डी टी, तो ठीक है, तो पहले बी और सी का रेशियो ले लेते थे प्लस ई टी का, फिर सी और डी का रेशियो ले लेते थे, मतलब इस तरीके से वो कुछ ना कुछ रिलेशन देता था, पर जनरली चार का नहीं होता, हमारा तीन में ही चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा चार में आपको नहीं पूछा जो कुछ देगा तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर रिलेशन देता है, तो ए टी प्लस सी टी प्लस बी टी या डी टी, जो डी टी की रिलेशन दे देगा बी टी के साथ कुछ ना कुछ टर्म्स ऑफ बी में रिलेशन दे देगा, या उसका रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो दे देगा, आपको डायरेक्टली आप पुट करके आप उसको क्या कर सकते हैं, एल एन बाई ए नॉट बाई ए टी के फॉर्म में ला सकते हो, ए नॉट की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर डायरेक्टली रेशियो ए टी बाई बी टी का। तो ये मैक्स टू मैक्स ऑफ एडवांस में इतना ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। याद अगर आपको चीजें समझ में आई तो अब नेक्स्ट हमारा लास्ट केस है सीरीज और सिक्वेंशियल रिएक्शन, केस टू है हमारा सीरीज और सिक्वेंशियल रिएक्शन, सीरीज और सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। सीरीज और सिक्वेंशियल रिएक्शन मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ए से बी गया K1, फिर ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, सारे फर्स्ट ऑर्डर के, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है जिसका K2 है, यहाँ तक सी बना, ठीक है। तो ठीक है, इसमें जनरली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको तीन क्वेश्चन है, तीनों अभी तक जेई एडवांस में आ चुके हैं, अलग अलग फॉर्मेट में देंगे, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता आपसे, ठीक है। मान लो ये ए नॉट था तब ये 0-0 रहेगा, तब ये 0-0, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स, तो यहाँ से जो डिसोसिएट होगा वाई वो यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है, उस जगह पे यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसका एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, टाइम टी पे नहीं निकालना, क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको कंसंट्रेशन निकालना बट एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, ठीक है, वही एक तरीके से हुआ, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एक का निकालता हूँ, ठीक है, इसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, और एटलीस्ट 7-8 बार एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं पिछले 10 साल में, और क्या क्या पूछा, किस फॉर्मेट पूछा, सारे बताऊंगा, वो जो लास्ट के जो तीन क्वेश्चन बताऊंगा इनके ऊपर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली फॉर्मूले भी और उसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो, अगर ए का कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रेट को माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर लिख सकता हूँ, K1 A के बराबर लिख सकता हूँ, एज इट इज जो मैंने आपको सिखाया है RDS मेथड में, ठीक है। तो माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि ये सिर्फ एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट है, रिएक्टेंट मैंने पूछा, तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, K1 ही हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम फर्स्ट ऑर्डर जैसा, तो यहाँ पे जो मेरा कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे ए टी जो हो जाएगा, ए टी किसके बराबर होगा, ए नॉट ई रेस्ट टू माइनस K1 T, ए
kt का फॉर्मूला हो जाएगा, ये एज इट इज हमने पहले भी करते आ गए। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट आती है कंसंट्रेशन ऑफ बी की। ठीक है, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहां माइनस डीबी बाई डीटी निकालोगे या प्लस डीबी बाई डीटी निकालोगे, तो कौन सा ज्यादा है। देखो, क्योंकि बी एज अ प्रोडक्ट भी है फर्स्ट रिएक्शन के लिए और बी एज अ रिएक्टेंट है सेकेंड रिएक्शन के लिए, तो आप बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन बी का ज्यादा होना चाहिए या रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए। सपोज करो, अगर ऐसा सपोज करो कि रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा है बी का, तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आप बोल रहे हो सर बी का कंजम्पशन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बना ही नहीं, उससे पहले खत्म हो गया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, इसके बाद ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, समझो। इसलिए इस रिएक्शन को सिक्वेंसर होने के लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, मतलब इसके लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी एज कंपेयर टू इस रिएक्शन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी बड़ा होगा, ये बनेगा तभी ये जाके वहां पे बनेगा। इसका मतलब ये हो सकता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू जीरो हो सकती है, ये मैं मान सकता हूं कि कभी इक्वल हो गया, लेकिन अगर सीरीज सीक्वेंशियल रिएक्शन को फॉलो करना है इसको, तो एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रूक रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ कंजम्पशन से हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं यहां पे प्लस डीवी बाय डीटी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब डीवी बाय डीटी कहां, पहले वाले रिएक्शन के लिए तो कहां पे है प्रोडक्ट में, बट दूसरे वाले रिएक्शन के लिए क्या है रिएक्टेंट में, के टू बी। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। चलो ठीक है, अगर ये मेरा इक्वेशन बन गया तो डीवी बाय डीटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी बाय डीटी को मैं लिख सकता हूँ के वन ए नॉट ई रेस टू माइनस के वन टी माइनस के टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। चलो समझ में आया, कुछ आइडिया लग रहा है आपको क्या इसमें क्या कर सकते हैं हम, चलो देखते हैं क्या लगेगा। तो डीबी बाई डी टी प्लस के टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वन ए नॉट ई रेस टू माइनस के वन टी। ठीक है, अब एक्चुअल में ये जो फॉर्म है ये आपका नॉर्मल फॉर्म नहीं है, एक्चुअली इसको इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप पढ़े नहीं होंगे, शायद बाद में पढ़ोगे तो, बट याद रखना मैं इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है dy / dx, ठीक है, प्लस p ऑफ x into y इज इक्वल टू क्या होगा q ऑफ x। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में y x p q डिसाइड करो, तो dy / dx मतलब y तो मेरे लिए क्या हो चुका है b हो चुका है, dy / dx मतलब x मेरे लिए क्या हो चुका है t हो चुका है। ठीक है, अब p ऑफ x इसके बराबर है, क्योंकि ये जो प्रेशर है वो एज अ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, मतलब ये जो p होगा वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे जो होगा k2 क्या होगा, p जो होगा मेरा p ऑफ x इसके बराबर होगा, k2 के बराबर हो जाएगा, और ऑब्वियस बात ये पूरा का पूरा किसके दिख रहा है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिख रहा है मुझे। चलो यहां तक बात समझ में, तो ये तीन स्टेप दो स्टेप में होता है। ठीक है, तो पहले हम इसमें निकालते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आके निकालते हैं कैसे, IF को निकालने का अपना तरीका होता है, IF को निकालते हैं हम, इसको निकालते हैं e raise to, ये फॉर्मूला होता है px into dx। ठीक है, e raise to px into dx, तो हम यहाँ पे IF निकालो, e raise to k2 into dt, e raise to k2 into dt मतलब e raise to k2 t हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका बता रहा हूं, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस दो मल्टीप्लाई करो दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों साइड मैंने क्या किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगा, देखो dv / dt ये पूरा तो मेरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो मैं लिख सकता हूँ dv by dt plus k2b को मैंने multiply कर दिया e raise to k2t is equal to किसके बराबर है k1 a0 e raise to minus k1t into e raise to k2t।
ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के वन ए नॉट ई रेज टू के टू माइनस के वन इंटू टी, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब ऐसा समझो बात को। अब इस इक्वेशन को क्या मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, डी बाय डी टी बी रेस बी इंटू ई रेस टू माइनस के टू टी। देखो U, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करते हो dv by e का पावर x ऑफ dx, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x ऑफ dx आपको क्या देता है जनरली, मतलब e का पावर a ln x को मैं क्या लिख, नहीं अरे समझो बात को, सॉरी माय मिस्टेक, अगर आप b रेस टू e रेस टू माइनस k टू t इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्टली देखो ये वैल्यू आ जाएगी, कैसे, e रेस टू माइनस e रेस टू प्लस के टू टी, नॉट माइनस के टू टी, माइनस टी, ठीक है, प्लस के टू टी, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dv by e raise to k to t into dv by dt plus b, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, k2 into e raise to k to t, तो यही एक्चुअली में देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, यही डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करने पर एग्जैक्ट आपको ये वैल्यू मिलेगी, तो इसको d by dt के फॉर्म में लिख लिया, b into e raise to k to t हो गया, आई बात समझ में, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, k1 a नॉट e रेज टू k2 माइनस k1 इनटू t, अब दोनों के मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेकर b तक और ये जीरो से लेकर p तक, और ये आपको पता है, ये आपको पता है ये वाला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b इनटू a रेज e का पावर k2 t, ठीक है, k1 a0 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, k1 a0 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e raise to k2 minus k1, e raise to k2 minus k1 by k2 minus k1, k2 minus k1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर t तक, तो इसको क्या कर सकता हूँ, k1 a0, k1 a0, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, k1 a0 by k2 minus k1, ठीक है, ये हो जाएगा e raise to 1 minus, ये करोगे जब इसको सॉल्व तो 1 minus e raise to k2 minus k1, ये मेरा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, सॉरी t पहले 0 बाद में, सॉरी 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 माय मिस्टेक, t पहले ना, तो t पहले है k2 minus k1 into t यहाँ पे, और 0 से t तक इसका ये लिमिट है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा e raise to k2 minus k1 minus 1, और यहाँ पे क्या है b into e raise to k2 t, तो b का कंसंट्रेशन आपको किसके बराबर होगा, k1 a0 by k2 minus k1, a0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे जब ये नीचे नीचे आएगा तो एक्चुअली में जब इसको सॉल्व करने पर एग्जैक्ट जो वैल्यू मिलती है कि e raise to minus k1 t minus e raise to minus k2 t, ये जब ये जो इसका e raise to वाला जब नीचे आएगा ना तो यहाँ पे आएगा तो e raise to k2 minus k1, ठीक है, तो k2 k2 minus k1, तो e raise to k2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, e raise to k2 by k1 into k2 t, k2 t क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी t यहाँ पे आप लिखना भूल गया मैं, t यहाँ पे लिखना आपको, t आपको छोड़ना नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ e raise to minus k1 t बचेगा, और यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाय k2 t, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा e raise to minus k2 t हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ बी को निकाल सकते हैं, आई होप सो मैंने ये डायरेक्टली कर दिया, मैथमेटिक्स स्टूडेंट आई होप सो ये समझ चुके होंगे आप, ठीक है, तो ये मेरा कंसंट्रेशन ऑफ बी है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एडवांस में पूछा जाता है, समझे, ठीक है, अब मैं जो हम बात करें, ए निकल गया बी निकल गया, अब बारी है किसकी, आखिर सी को कैसे निकालेंगे, ठीक है, सी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी में क्या खासियत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन में, वो भी प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस dc by dt, और इसका इक्वेशन पे रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ k2 b, ये होगा, ठीक है, अब मुझे पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ k2 b एट टाइम फंक्शन ऑफ टाइम पे क्या लिख सकता, k2 k1 a0 by k2 minus k1 e raise to minus k1 t minus e raise to minus k2 t, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, dc by dt, तो dc को इंटीग्रेट करो k2 k1
k1 a नॉट k2 माइनस k1 इंटीग्रेशन 0 से t e रेस टू माइनस k1 t माइनस e रेस टू माइनस k2 t कब dt इसको इंटीग्रेट करें तो ये तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ c हो जाएगा और k2 a नॉट k2 माइनस k1 और इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा e रेस टू माइनस k1 t बाय माइनस k1 माइनस e रेस टू माइनस k2 t बाय माइनस k2 ठीक है। कहां से कहां, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक ठीक है। अब ऑब्वियस बात है ठीक है, अब तो एज इट इज पुट जब करोगे t के ये जब इसको सॉल्व करोगे तो k2 लिमिट लगा के जब ये वैल्यू निकालोगे k2 माइनस k1 तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस e रेस टू माइनस k1 t 1 माइनस e रेस टू माइनस k1 t बाय k1 ठीक है माइनस 1 माइनस e रेस टू माइनस k2 t डिवाइडेड बाय k2 ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ c का फॉर्मूला है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, सॉरी नॉट टेंपरेचर, फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है। तो या तो आपसे जनरली a b और c का कंसंट्रेशन, a का तो भूल जाओ कि a का तो कंसंट्रेशन आपसे कभी नहीं पूछा, जेईई मेंस वगैरह में भी नहीं पूछ सकते, इवन दो एडवांस में आपसे जनरली या तो b का पूछेगा भाई आप सीक्वेंशियल रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन ऑफ b का क्या रहेगा, मेथड सीखने की कोशिश करो। Don't remember this method सीखो कि आपको पहले तो आपको differential equation के form में लाने b का, मतलब middle वाला हमेशा किस form में रहेगा, differential form में रहेगा। अगर ये सिर्फ एक reaction में तो कुछ नहीं, जो भी आएगा उसको put करो यहाँ पे, उसका integration निकालो, direct आपने put करके direct answer निकाल सकते हो। Hope so जब advanced के बच्चे हो, अगर आप really में if you are really true as ITN तो आपके लिए integration differentiation में बड़ी बात नहीं है ठीक है। अब question आते कैसे देखो, इससे अब इसी में एक अलग लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है, ये तो बात हुआ इसका ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन जो बेहतरीन अगर बनाना चाहे तो क्या कर सकता है वो, ये देखो ठीक है, क्वेश्चन ये बोल सकता है जो जेई में आ, ये तीनों क्वेश्चन अब तक जेई एडवांस में आ चुके हैं ठीक है, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। कैलकुलेट टाइम एट विच, कैलकुलेट टाइम एट विच, कैलकुलेट टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, कंसंट्रेशन बी इज मैक्स, किस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। और ऑब्वियस से बात है देखो, इनिशियली बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस समय के लिए मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो क्योंकि वो कंज्यूम भी तो हो रहा है ना, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट, तो जितना बढ़ेगा फिर उतनी देर से घटेगा भी, तो किसी टाइम पे ये क्या होगा, एक समय के लिए मैक्सिमम जरूर होगा, वो टाइम आपको बताने की किस समय पे कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम होगा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू, आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू, आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी व्हेन, कब, पहला k1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन k2 या k2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन k1, अगर सपोज करो ऐसी कंडीशन आ गई तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व ठीक है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं बेटा ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करूं मुझे क्या निकालना, पहले क्वेश्चन में टाइम निकालना आखिर किस टाइम पे होगा, तो मुझे पता है किसी चीज को मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको पता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर कर दो, डीवी बाय डीटी किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी मैक्स ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी मैक्स ठीक है। तो मुझे पता है डीवी बाय डीटी की अगर मैं बात करता हूं, डीवी बाय डीटी किसके बराबर हो जाएगा,
इसके बराबर है डी वी के वन ए नॉट डिवाइडेड बाय के टू माइनस के वन, ठीक है, माइनस के वन। अगर मैं पूरे कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी मैंने निकाला था, ठीक है, उसी का मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस के वन ई रेस टू माइनस के वन टी माइनस प्लस के टू ई रेस टू माइनस के टू टी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये जो ये b का कंसंट्रेशन था ना, ये माइनस के वन टी माइनस के टू टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट किया डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू जीरो के बराबर करनी है फॉर मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता, तो किसके ये जीरो बराबर करना पड़ेगा। तो माइनस के वन ई रेस टू माइनस के वन टी प्लस टी, क्योंकि ये यही वेरिएबल है बेटा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जीरो के बराबर नहीं हो सकता, वेरिएबल ही जीरो के बराबर हो सकता है। तो माइनस के टू टी को मैंने क्या कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया। तो के टू ई रेस टू माइनस के टू टी इज इक्वल टू के वन ई रेस टू माइनस के वन टी, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब समझो बात को थोड़ा, तो मैं लिख सकता हूँ के वन बाई के टू, के वन बाय के टू किसके बराबर हो जाएगा, के वन बाय के टू बराबर हो जाएगा ई रेस टू के वन माइनस के टू इंटू टी, ठीक है, यहाँ से तो ये रेशियो आ गया मुझे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ एलन ले लो, अगर मैं दोनों तरफ एलन ले लो तो के वन बाय के टू किसके बराबर हो जाएगा, के वन बाय के टू के बराबर हो जाएगा के वन माइनस के टू इंटू टी। तो टी मेरे लिए कितना हो जाएगा, एलन के वन माइनस एलन के टू बाय के वन माइनस के टू। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो जेई एडवांस में या दो या तीन साल पहले ये पूछा गया था कि किस टाइम पे ये कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, कोई भी सीरीज, जनरली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, उसने कुछ रिएक्शन दिया हुआ था, बट फॉर्मेट यही था क्वेश्चन का, ये वो मिडल वाले का टाइम पूछे किस टाइम पे उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो यहाँ तक तो चीजें आपको आसान है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे लेवल पे भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते क्या है भैया, सेकंड क्वेश्चन मेरा बी मैक्सिमम मुझे निकालना है, क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम, ठीक है। बी मैक्सिमम के लिए अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, बी इस टाइम पे अगर मैंने ये टाइम पुट कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ बी के फॉर्मूले में, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या था, देखो फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बी का फॉर्मूला था के वन ए नॉट बाय के टू माइनस के वन ई रेस टू माइनस के वन टी माइनस ई रेस टू माइनस के टू टी। मतलब अगर टाइम ये वाला होगा तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कुछ मत करो, पुट कर दो के वन ए नॉट बाय के टू माइनस के वन, ठीक है, e raise to minus k1, formula क्या हो जाएगा, ln k1 minus ln k, ln k1 minus k2 net करो, समझो, sorry my mistake, ठीक है, आप k2 by k1 करो, calculation आसान होगा, ठीक है, ln k2 by k1, तो यह मैं लिख सकता हूँ ln k1 by k2, ln k1 by k2 divided by k1 minus k2, ठीक है, minus minus k2 ln k1 by k2, ln k1 by k2, ln k1 by k2 divided by k1 minus k2, ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है क्या, मैं ऐसा मुझे पता है e का पावर a ln x, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ln x का पावर a, मैथमेटिकल स्टूडेंट हो आई होप सो इतना आपको पता होगा, k1 a नॉट बाय k2 माइनस k1, ठीक है। तो क्या मैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या चला जा सकता है, पावर में जा सकता है, ये ln बाय समथिंग मतलब माइनस k1 बाय k1 माइनस k2, ये ln के पावर में जा सकता है, ये क्या हो सकता है, ये जैसे सपोज करो ये जो है मेरा e रेस टू, लिख सकता हूं मैं ln k1 by k2 को, मैं लिख सकता हूँ पूरा माइनस k1 by k1 minus k2, क्योंकि ये पूरा पावर में है, ये इसको अलग ले आओ तो ये पूरा पावर में चला जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस e raise to ln k1 by k2 minus k2 by k1 minus k2, ठीक है, ये हुआ
ठीक है। अब मुझे पता है e का पावर l ln x क्या हो सकता है मेरा, सॉरी e का पावर a ln x को मैं अगर ln x का पावर a लिख सकता हूँ, तो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k1 a0 by k1 minus k2, e और ln क्या हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ k1 by k2, e और ln क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा ये k1 by k2 by minus k1 by k1 minus k2, ये हो जाएगा फिर माइनस के वन बाय के टू माइनस के टू बाय के वन माइनस के टू, ठीक है। उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, के वन ए नॉट बाय के वन माइनस के टू को क्या करूंगा, के वन बाय के टू, ठीक है, माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू माइनस के वन बाय के टू, ठीक है, माइनस के टू प्लस के वन माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू। क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो के वन ए नॉट बाय के वन माइनस के टू को क्या लिख सकता हूँ, के वन बाय के टू माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू माइनस के वन बाय के टू। अब इसका क्या हो जाएगा, के वन माइनस के टू मतलब ये एक तो क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक तो मेरा क्या हो जाएगा इस तरीके से आ जाएगा, दो 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 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा मेरा, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा के वन माइनस के टू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो माइनस के वन इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू, ठीक है, और एक इधर चला जाएगा, तो इसको सिंपली क्या हो जाएगा, के वन बाय के टू का पावर वन, तो के वन माइनस के टू, के वन माइनस के टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के वन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये मैं पूरा क्या ले लूंगा, इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो ये जब कॉमन ले लूंगा तो के वन ए नॉट बाय के वन माइनस के टू। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल केवल प्लस माइनस किया, तो एक पार्ट पूरा वन हो जाएगा ये वाला, और माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू ऐसा हो जाएगा, तो ये पावर वन हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू, तो ये पावर वन और ये, तो इन दोनों में से ये कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ये ले लूंगा, तो के वन बाय के टू माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस के वन बाय के टू। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, के वन ए नॉट बाय के वन माइनस के टू इंटू के वन बाय के टू माइनस के वन बाय के वन माइनस के टू, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के टू माइनस के वन बाय के टू, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, माइनस केवन था ना, सॉरी देखो माय मिस्टेक, के टू माइनस केवन यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ केवन माइनस के टू कर दिया, के टू माइनस केवन लिखना था, के टू माइनस केवन, के टू माइनस केवन, के टू माइनस केवन, यहाँ ऊपर में पावर में केवन माइनस के टू था, सॉरी के टू माइनस केवन, ठीक है, के टू माइनस केवन, के टू माइनस केवन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, के टू माइनस केवन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ए नॉट के वन के टू बाय माइनस के वन बाय के वन प्लस के टू, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, दिस इज योर बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन वैल्यू, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर मान लो k1 is very very greater than k2, suppose करो k1 is very very greater than k2, तो इसका मतलब ये भी होगा कि k1t is very very greater than k2t, इसका मतलब ये होगा कि minus k1t is very very less than minus k2t, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि e raised to minus k1t क्या हो जाएगा, tends to zero हो जाएगा। तो इसका मतलब concentration of a का formula देखो क्या था, a not e raise to minus k1t था उस reaction के according, तो ये tends to क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, ठीक है।
और कंसंट्रेशन ऑफ बी का देखो, कंसंट्रेशन ऑफ बी का जब बी का मैं देखूं तो ए रेस टू माइनस केवन टी जीरो हो गया के, ठीक है ये जीरो हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि के टू इज वेरी वेरी तो सब्ट्रैक्शन का भी कोई मतलब नहीं, केवन केवन ऑलमोस्ट केवन के देखो के यहाँ पे से क्या बचेगा, केवन 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 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और उधर से क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस केवन टी भी जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब ये क्या हो सकता है, ये वैल्यू बचेगी ई ए नॉट ई रेस टू के टू टी, ई रेस टू के टू टी ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन ऑफ बी का ई रेस टू के टू टी। अब जो इम्पोर्टेंट है सी का फॉर्मूला निकालना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ठीक है, आखिर जब के जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा के वन सी से के टू से तो सी का फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे ठीक है, इसको मैं आपको थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, बट एक मैं न्यूमेरिकली चारों एक बार समझाने के लिए ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी मेरा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सी सी जो था ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी मैंने कितना निकाला था, कंसंट्रेशन ऑफ सी निकाला था K1 K2 A0 ठीक है, K1 K2 A0 by K2 minus K1 ठीक है, 1 minus e raised to minus K1 T, 1 minus e raised to minus K1 T by K1 minus 1 minus e raised to minus K2 T by K2, ये था फॉर्मूला मेरा ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से मैं काम करता है एलसीएम ले लेता हूँ ठीक है, तो K1 K2 A0 by K2 minus K1 ठीक है, ये एलसीएम ले लेता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा K2 minus K2 e raised to minus K1 T minus K1 minus K1 माइनस माइनस प्लस के वन ई रेस टू माइनस के टू टी डिवाइडेड बाई के वन इंटू के टू ये हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा के टू के वन तो क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है, के टू के वन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है, और क्या हो जाएगा ई रेस टू ई में ई के वन टी भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है, जब ये कैंसिल आउट हो चुका है और क्या हो सकता है फिर मेरा ये हो जाएगा मेरा a नॉट बाय k2 माइनस k1, a नॉट बाय k2 माइनस k1, अब k2 माइनस k1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ ऑलमोस्ट k1 लिख सकता हूँ, मैं ऑलमोस्ट k1 लिख सकता हूँ माइनस में ठीक है, तो ये k2 तो ऑलमोस्ट जीरो है तो मैं लिख सकता हूँ इसमें से कॉमन ले लिया k1, तो k1 कॉमन लेते ही e रेज टू माइनस के टू टी प्लस वन इंटू के वन प्लस के टू ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी e रेज टू माइनस के टू प्लस के वन इंटू टी ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ के वन से, के वन से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट की वैल्यू आएगी e रेज टू माइनस के टू टी प्लस वन k1 by k2 plus k1 by k2 plus k1 by k2, तो प्रैक्टिकली ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी नेगलिजिबल प्रैक्टिकली, सॉरी नॉट k, यहाँ पे k2 है ना ऊपर में क्या हो जाएगा k2 by k1, माय मिस्टेक देखो k1 से डिवाइड करूँ दोनों को इधर लेके जाऊंगा तो ये तो k1 by k2 e raise to k2 t plus 1 और k2 by k1, k2 by k2 by k1 ऑलमोस्ट जब k1 बहुत बड़ा है k2 से तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, एक्चुअल में कंसंट्रेशन ऑफ c क्या हो जाएगा a नॉट, a नॉट इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी k1 है ना तो ये k1 हो जाएगा, सॉरी ये k1 है, k1 k1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां k1 k1 कैंसिल हो जाएगा, k2 plus k1 ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा माइनस के टू टी प्लस वन ठीक है, ये तब जब बड़ा होगा। अब समझो बात को, ए के वन था बी और ये था के टू सी, जब बोल रहा है के वन बहुत बहुत बड़ा है के टू से इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट मतलब जो ए नॉट था वो पूरा का पूरा ए नॉट एक इसमें कन्वर्ट हो चुका बी में, मतलब ये ऑलमोस्ट रिएक्शन ये 100% रिएक्शन क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है,
इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ एटी एच टू क्या रहता है, जीरो आ रहा था। बी ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर था, इसलिए प्रोडक्ट का फर्स्ट ऑर्डर मतलब रिएक्टेंट का याद करिए कंसंट्रेशन एट टाइम टी एट फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, ए नॉट ए रेस टू के टू टी था, और प्रोडक्ट, और क्योंकि अब यही फर्स्ट ऑर्डर बचा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था, ए ए नॉट ए रेस टू के टू टी प्लस वन हो जाता था, ए रेस टू के टू टी सॉरी वन माइनस होगा ना, अगर मैंने प्लस वन लिया, हाँ एक मिनट, यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक किया है ना, के वन कॉमन लेंगे, सॉरी के वन कॉमन लेंगे, सॉरी कहाँ से, वन माइनस ई रेस टू माइनस के टू टी इनटू के वन, तो वन माइनस ई रेस टू माइनस के टू टी कॉमन लेंगे। चलो प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक होगा, थ्योरेटिकली समझो कि जब ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका है, अब आपके पास एक ही रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी मेरा क्या होगा, ए नॉट ए रेस टू के टू टी, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, ए नॉट वन माइनस इंटू वन माइनस ई रेस टू के टू टी, ये फॉर्मुला था। देखो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट भी होता है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा भी दिया, ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात करो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो देखो ए का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, जो ए नॉट से चालू होगा। बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, एक समय के लिए मैक्सिमम होगा, बाद में ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट सी का कंसंट्रेशन क्या है, सी का कंसंट्रेशन क्या होगा, देखो ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, बढ़ते रहे, क्योंकि ये बी के लिए हुआ, ये ए के लिए हुआ और ये सी के लिए हुआ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो फ्रॉम दैट क्लियर, आपका चैप्टर और पूरा कवर हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन जो है के टू वेरी वेरी ग्रेटर देन के वन, इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करके मुझे बताना, उसका अगेन उसका ग्राफ भी मुझे सॉल्व करके बताना, ठीक है। तो यहाँ तक हम अपना खत्म करते हैं, और दो दिन तुम्हारा डाउट सेशन रहेगा, उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे जंप करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।